इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप उमंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएफ से आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं, पासपोर्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, उमंग ऐप सरकारी एप्लीकेशन है, इस पर आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन में लाखों फ़ायदे मिलेंगे और इसमें आप लाखों काम कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप पासपोर्ट बना सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और इस ऐप के बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि उमंग ऐप कैसे डाउनलोड करें, तो आप यहां पर प्ले स्टोर में आएंगे, आपको उमंग ऐप लिखना है और यहां पर आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल कर लिया था। अब मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूं दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, कई सारी भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। चलिए हम हिंदी पर क्लिक करते हैं और फिर यहां पर आपको मैं अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस अनुबंध के नियम व शर्तों से सहमत हूं, यहां पर आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे और अगला पर आप यानी कि नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर लॉगिन होना है तो आप लॉगिन हो सकते हैं, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं और आपके सत्यापन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजे जाएंगे और आपको वेरीफाई करके शुरू करना है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा यानी कि OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो चलिए हम अपने OTP डाल देते हैं। तो दोस्तों OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी सेवाएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डिजी लॉकर पर आप दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझा और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित मेघ आधारित मंच हैं, और आप यहाँ से साइन और साइनअप भी कर सकते हैं। अब बात करें कि सभी सेवाएं पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भारत बिल पे, डिजी लॉकर, IMD, माई पेन, प्रधानमंत्री, मटरू वंदना, सर्विस प्लस असम, सर्विस प्लस हरियाणा, यहाँ पर आपको बहुत सारी अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा दोस्तों आपके सामने। अटल पेंशन योजना के बारे में आप यहाँ से विस्तार से जान सकते हैं, वर्तमान होल्डिंग, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, अकाउंट का विवरण, हाल ही के योगदान। तो यहाँ से आप लॉगिन करके अटल पेंशन योजना का अकाउंट बना सकते हैं। विवरण देखने के लिए आप विवरण पर देखे पर क्लिक करेंगे और आप यहां से अटल पेंशन योजना की अकाउंट बना सकते हैं डायरेक्ट। आपको यहां पर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है। इसके बाद आप अपने अटल पेंशन योजना का बैलेंस देख सकते हैं। अब बात करते हैं आयकर का भुगतान। आधार कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आधार कार्ड पर पहुँच जाएंगे। आधार कार्ड, आपको मोबाइल नंबर, आधार या यूज़र नेम डालना है और साइन विद OTP, यानी कि आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा और आपको आधार कार्ड में आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इंडियन ऑयल, ESIC, जिला असम, ई धारा भूमि रिकॉर्ड, ई न्यायालय सेवाएं, ई पाठशाला, ई माइग्रेट, ई मित्र राजस्थान, यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहां पर HP गैस, NTRP, NPC, वायु परिवहन, MP भूलेख,
ऑनलाइन जॉब आवेदन प्रणाली, आप यहां से जॉब के लिए भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सूचना बोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देख सकते हैं परिणाम दिखा रहा है। अगर आप यहां पर कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप खोजे यानी कि सर्च पर क्लिक करेंगे और आपको जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए वहाँ आप यहाँ पर सर्च में लिख कर जॉब का पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर बनाने को मिल जाएगा, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की पूरी डिटेल, आपको पासपोर्ट सेवा का भी आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। परिवहन सेवा साथी, प्रधानमंत्री आवास योजना का आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। शहरी और ग्रामीण पेंशन भोगियों का पोर्टल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रसार भारती, फसल बीमा, भारतीय संस्कृति, भारत गैस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राजस्व विभाग, छात्रवृत्ति पोर्टल, वस्तु एवं सेवा कर, श्रम सेवा, CRPF, CBI, स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अन्य महिला एवं बाल पेंशन प्रमाण पत्र पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रोजगार एवं कौशल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कर्मचारी चयन आयोग, बहुत सारी डीजी सेवक पर आप क्लिक करेंगे, कार्य पर आप क्लिक करेंगे, उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन जॉब आवेदन प्रणाली के बारे में देख सकते हैं। परीक्षा का प्रमाण पत्र भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान विज्ञापन देखने के लिए आप यहां पर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सा भी कलर कम टाइपिस्ट का आप यहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्च करना है तो आप यहां पर सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आपको यहाँ पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल मिल जाएगा, ई पाठशाला। क्रमबद्ध के लिए आप यहाँ पर केंद्रीय करेंगे, केंद्रीय करने के बाद आपको क्रमबद्ध करने के लिए आप यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय पर क्लिक करेंगे तो सर्वाधिक लोकप्रिय यही चल रहे हैं दोस्तों अभी, जैसे कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। अगर आपकी छात्रवृत्ति नहीं आई है तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। आपकी छात्रवृत्ति चेक करने के लिए आप यहां पर योजना की जानकारी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने सारी योजनाएं निकल कर आ जाएंगी, केंद्रीय योजनाएं, UGC की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, सारी की सारी योजनाएं आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें। नया रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिए आप स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था उमंग ऐप, इसमें बहुत सारी सेवाएं आपको मिलेंगी। अगर आपके फ़ोन में यह एप्लीकेशन नहीं है ना तो आपको इसे ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर कोई वेबसाइट का पता नहीं है तो आप डायरेक्ट यहां से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।